बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 आज यानी कि गुरुवार से शुरू हो गई है। बिहार में 16,94,781 परीक्षार्थी इस एग्जाम में शामिल होंगे। 38 जिलों में कुल 1585 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं भागलपुर में कुल 57 केंद्रों पर 53,860 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। गुरुवार कोहरे के बीच ही पहली पाली की परीक्षा देने परीक्षार्थी सेंटर पहुंचे। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर जिला प्रशासन के द्वारा स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि करीब 100 कैमरे से विभिन्न सेंटरों पर परीक्षा की निगरानी की जा रही है। इंटर परीक्षा के तहत ही समय को लेकर प्रशासन काफी सख्त दिख रही है। सभी केंद्राधीक्षकों को समय को लेकर सख्ती बरते जाने का निर्देश दिया जा चुका है। मालूम हो कि परीक्षार्थी को परीक्षा सुबह शुरू होने से आधे घंटे पहले ही केंद्र तक पहुंचने का निर्देश जारी है। विलंब से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश करने से रोका जाएगा। वहीं भागलपुर में मौसम का मिजाज इस वक्त बदला हुआ है। बोर्ड के निर्देश का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। निर्धारित समय से पहले ही परीक्षार्थी सेंटर पहुंच गए थे। भागलपुर में आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पहली पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थी कतार लगाकर सेंटर के गेट पर खड़े दिखे। मैट्रिक परीक्षा में 2168 वीक्षकों की परीक्षा के वीक्षण कार्य में लगाया गया है। वहीं भागलपुर में कुल 1498 वीक्षक, नवगछिया में 356 और कहलगांव में 314 वीक्षक वीक्षण कार्य में रहेंगे, जबकि 500 से अधिक वीक्षकों को सुरक्षित रखा गया है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।